हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नवाबी फिरिनी। ये बहुत ही यमी होती है और जो ये मिट्टी की प्याली में जब खाई जाती है, मतलब मिट्टी एक प्याले में हम इसे सर्व इसलिए करते हैं कि मिट्टी की प्याले में वो पानी अपना सोख लेती है और बचती है नवाबी फिरिनी, बहुत यमी होती है। तो यहाँ मैंने रेगुलर चावल लिया है, उसे मैंने सोख करके रखा था 2 घंटे के लिए। फिर ये इस तरीके से ये नज़र आ रहा है, 2 घंटे के बाद ये इस तरीके से दिखेगा, अच्छा सा फूल गया है। अब हम इसे पानी से अलग कर लेंगे। तो एक बॉल लेंगे और उस पर रखेंगे बड़ा सा चन्ना, मतलब अलग करना है पानी, वैसे भी अलग कर सकते हैं पर इस तरीके से करेंगे तो सारा पानी निचोड़ जाएगा। 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा निचोड़ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है मैं आपको बताऊँगी। और गाइस, जो नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेगम किचन को, एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। तो देखिए, अब मैंने न्यूज़पेपर लिया है, न्यूज़पेपर मैं इस पर फैला दूँगी। और आप धूप में चाहें रखना तो धूप में रख सकते हैं, या फ़ैन के नीचे रखना चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं। मतलब क्या है, हमें इसे ड्राई करना है बहुत अच्छे से। तो ये ड्राई हो चुका है, देखिए इस तरीके से, तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा उसके बाद ये ड्राई हो गया था। मैंने फ़ैन के नीचे ही रखा था और मैंने जार में इसको ब्लेंड करूँगी, बट मैं इसे ना बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करूँगी, बस मुझे इतना रखना है। जैसे आपकी सूजी जो होती है ना, सूजी से मोटा वाला दाना रखना होता है। इसकी पहचान ये होती है कि अगर आप छू के देखें तो इसमें अच्छा सा दाना नज़र आना चाहिए। तो ये हमारा चावल तैयार हो गए हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे चाहिए दूध। तो मैंने यहाँ लिया है 3 किलो दूध, बड़ी पतीली में हमने लिया, बहुत बड़ा पतीला था ये। तो 3 किलो दूध को अच्छे से बॉईल कर दिया और ये हल्का सा बॉईल, मतलब पूरा अच्छा सा बॉईल हो जाए और फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद अब क्या होगा, अब हमने इसमें चावल डालना है। इस तरीके से हमने ऑफ़ में डालेगा, ठीक है। तो जब फ्लेम ऑफ होगी तो ये ठंडा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हीट नहीं करेगा, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। लगातार इसको आप चलाते रहिए तकरीबन 1/2 घंटे के लिए, और जब आप चावल डाल चुके हैं तो फ्लेम ऑन कर दीजिए और इस तरीके से आप चलाते रहिए। 1/2 घंटे के बाद कुछ इस तरीके से गाढ़ी गाढ़ी सी होने लगेगी, तो उसमें आपने सेवैयाँ डाल देनी है। सेवैयाँ को 2 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद ये मुलायम हो जाएगी। तो इसमें अब हम डालेंगे ताल मखाने। ताल मखाने बहुत इस स्टेज पर डालते हैं ताकि हमारी जो, देखिए गाढ़ी होने लगी है आपको नज़र आ रही होगी, तो ताल मखाने और भी ड्राई फ्रूट वगैरह सब डाल देंगे। यहाँ काजू बादाम और छुआरे किशमिश सब ले लिया है, नारियल को ग्रेटेड नारियल लिया है। तो बस अब क्या करना है, इसे मिक्स कर देना। ताल मखाने हमारा बहुत, जो हमारी 10-15 मिनट पहले हम डालेंगे ताल मखाने, ताकि हमारा ये जो और एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए और जो हमारे ताल मखाने वो फूल जाए अच्छे से। तो दाल यहाँ पर इलायची भी डाल दी थी मैंने, और उसके बाद चीनी डालनी है। लास्ट में चीनी इसलिए डाल दें क्योंकि चीनी डालने के बाद ये पतली और होती है, तो फिर इस वजह से डाल दें। बस ये थोड़ी देर और मज़ीद पकाने के बाद ये इस तरीके से इतनी ठंडी होने पे इतनी गाढ़ी हो जाएगी, और देखिए कितनी मज़ेदार दिख रही है। इसका खाने का स्वाद तभी बढ़ता है जब आप मिट्टी के प्याले में इसको रखते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो एक्स्ट्रा जो पानी होता है, एक्स्ट्रा जो दूध का, जो दूध में जो एक्स्ट्रा पानी में होता है, वो सारा मिट्टी सोख लेती है, और जो खाने बाद में जो बचता है ना, वो बहुत यम्मी से रबड़ी बचती है। तो आप इसे चाहे तो कवर करके रख सकते हैं, जैसे मैंने क्लीन रैप में कवर कर दिया था और उसके बाद मैंने इसको ना फ्रिज में कर दिया था। इस तरीके से हमने क्लीन रैप को लिया और कवर करके रख दिया। ऊपर से ड्राई फ्रूट डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे ड्राई फ्रूट अंदर डाल दिए। अगर आप चाहें तो ऊपर से डेकोरेटरी के लिए पर्पज़ से आप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो बहुत ही यम्मी सी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आई थी खाने के बाद, बहुत ही यम्मी थी लगी दिया। होप सो यू लाइक इट।